29th संडे सेमिनार 21 फरवरी 2021 से इसको प्रारंभ किए हैं और तब से लगातार ही हम लोग का मेडिटेशन और मोटिवेशन का कार्यक्रम चलता है। अभी मन में विचार चल रहा है मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों है, ध्यान की आवश्यकता क्यों है और इसमें गायत्री मंत्र को क्यों मिला जाता है। मंत्र का एक महाविज्ञान हमारे देश में था, चाहे हम वर्णमाला के अक्षरों को पढ़ते हों, चाहे ABCD का वो अल्फाबेट, ये भी एक तरह का मंत्र ही है। कहते हैं सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनता है और सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य में परिणत हो जाता है। तो सार्थक और निरर्थक ये दो शब्द जो हमारी संस्कृति में आया है, जीवन को भी सार्थक करने के लिए मंत्र, मन की शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए ऋषियों ने गायत्री महामंत्र, कोई आज का कोई नई चीज नहीं है बल्कि ये वैदिक और अनादिकाल से सृष्टि का जो उद्भव हुआ उसी में इस मंत्र का स्फोट हुआ था परमाणु परीक्षण के तरीके से। और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता एक महाविज्ञान के तरीके से है। और हम लोग जो यहाँ बात करते हैं उसमें क्या है कि दोनों पक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान। पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकती है। हमारा शरीर के संचालन के लिए दो तरह की खून की आवश्यकता है, श्वेत और लाल। ये दोनों जब आपस में मिलता है, स्वाद बनाम स्वास्थ्य, संसार बनाम अध्यात्म, तब जीवन का स्वर्णिम विकास संभव पाता है। आज क्या है कि जो विज्ञान के विद्यार्थी समझते हैं हमको अध्यात्म के शरण में जाने की क्या आवश्यकता है और अध्यात्मवादी लोग समझते हैं कि हमको विज्ञान जानने की क्या जरूरत है। लेकिन दोनों की स्थिति आज उस लंगड़े और अंधे के समान है। जब कहते हैं किसी गांव में आग लगी तो सारे के सारे लोग फरार हो गए लेकिन गांव में दो लोग बच गए, एक लंगड़ा था एक अंधा था। बोला अब हम लोग को तो आगजनी में मरना ही पड़ेगा। लेकिन फिर दोनों आपस में सहमति जताया कि हमारे पास पैर नहीं है, हमारे पास आंख नहीं है। आपका पैर, अंधा का पैर और लंगड़ा का आंख, ये दोनों यदि आपस में मिल जाए तब हम लोग आगजनी से बच सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव और स्वामी विवेकानंद का ही संकल्पना था कि आने वाले सदी जो होगा 21वीं सदी में उसमें धर्म और विज्ञान का आपस में मिलन हो। धर्म अंधा है और विज्ञान लंगड़ा है। न विज्ञान के पास सारी समस्याओं का समाधान है न अकेले अध्यात्म के पास, लेकिन दोनों यदि आपस में मिल जाए तो आज विज्ञान के सामने जो अच्छे प्रश्न बना हुआ है, बरमूडा जो तारे टूटने के कारण समुद्र में काला छिद्र बनता है और बड़े बड़े 200-250-300 यात्रियों से भरा हुआ हवाई जहाज को निगल जाता है, आज तक सैकड़ों जहाज को वह काला छिद्र निगला लेकिन उसका एक नट तक, सुई का सुराख तक विज्ञान पता नहीं कर सका वो जहाज कहाँ चला जाता है। इसलिए वह बरमूडा बनता कैसे, तो विज्ञान के अनुसार जो आसमान में तारे टूट कर समुद्र में गिरते हैं और उसी से ब्लैक होल बनता है, काला छिद्र। विज्ञान के सामने आज भी अर्थ है सो अनर्थ बना हुआ है, उसका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहा है। आज भी वो ऑस्ट्रेलिया का जोहान्सबर्ग पर्यटक क्षेत्र जब ढलाई को इंद्रप्रस्थ की तरह, महाभारत में आप लोग देखे होंगे उस इंद्रप्रस्थ में जब दुर्योधन गया था पानी को सूखा, सूखा को पानी, उसी तरह वहां है ऑस्ट्रेलिया का जोहान्सबर्ग, जहां ढलाई है वहां एक्सलेटर लेना पड़ता है गाड़ी में और जहां चढ़ाई है वहां ब्रेक दबाना पड़ता है। हजारों सैलानी वहां जाते हैं जोहान्सबर्ग में। आज भी विज्ञान के सामने यक्ष प्रश्न बना हुआ है, इसका क्या सटीक समाधान हो सकता है। समुद्र का सारा जल खारा है, नमकीन है, लेकिन एक ऐसा भी सागर है जिसका पूरा का पूरा जल मीठा है। उसमें करोड़ों टन चीनी किसने मिलाया होगा। मृत सागर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें कुछ भी डाल दीजिए वो तैरते रहेगा, नीचे नहीं डूबता है। आखिर ये दृश्य जगत की अदृश्य जो पहेलियां हैं उसको कौन समाधान की दिशा में ले जाएगा। तो आने वाले दिनों में धर्म और विज्ञान का जब आपस में मिलन होगा दोनों जोड़ों भाई की तरीके से, तो इन सारे रहस्य को सुलझा लिया जाएगा। अध्यात्म और ध्यान में इतनी ताकत हो सकती है कि एक छोटा सा ध्यान का उदाहरण देना चाहेंगे। अभी हम लोगों का जो है जमशेदपुर में जो टाटा की फैक्ट्री, आयरन की फैक्ट्री जो लगी हुई है, वह स्वामी विवेकानंद के ध्यान का चमत्कार है। कहते हैं जमशेद जी नेसारी टाटा जी जब आ रहे थे लौट करके अमेरिका से पानी के जहाज पर स्वामी विवेकानंद और वो दोनों, तब उन्होंने अपना फरियाद सुनाई कि अमेरिका हमको वो सूत्र नहीं दिया कैसे आयरन फैक्ट्री लगाएं, कहाँ लगाएं। तो स्वामी विवेकानंद उसी पानी के जहाज में बैठे बैठे 3 मिनट का मेडिटेशन किया और बोला आप चले जाइए बिहार के सिंहभूम जिला में, जहाँ जमीन के नीचे एस्क भी है, पानी भी है और कोयला भी है, जो आयरन फैक्ट्री के लिए तीनों चीज चाहिए। एक यहां का योद्धा सन्यासी केवल मेडिटेशन से वो सुदूरवर्ती सिंहभूम जिला के भूगर्भ को देख लेता है और आज तक वो टाटा फैक्ट्री इस कोरोना काल में जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाला तब भी टाटा कंपनी अपने कर्मचारियों को एक भी छटनी नहीं किया और बोनस दिया। आज वो नहीं है लेकिन उनका समूह बड़ी ईमानदारी पूर्वक राष्ट्र और देश की सेवा में अहर्निश लगा हुआ है। COVID-19 में भले उनको फोकस नहीं किया गया तो बहुत बड़ा योगदान रहा जमशेद जी टाटा का, उनके ग्रुप का, अभी तो रतन टाटा उनके हैं प्रमुख। तो इसलिए अध्यात्म
और विज्ञान, जब विवेकानंद का वो विज्ञान अध्यात्म और टाटा जी का वो ज्ञान संसाधन जब आपस में मिला तो आयरन फैक्ट्री के रूप में बदल गया, चमत्कार, विश्व प्रतिष्ठित। तो युवा साथियों, हम मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन माइंड का कैप्सूल है, मेडिसिन है, माइंड का सबसे बेस्ट मेडिसिन ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारे माइंड का हेजिटेशन दूर होता है। यह मस्तिष्क एक विलक्षण कंप्यूटर है, इसमें हमारी शक्तियां सोई हुई है। इसको जगाने का एक बस हमारे पास जो उपाय है, हमारे पास जो संसाधन है, उसका नाम मेडिटेशन है। हम मेडिटेशन बिना हेजिटेशन का यदि करते हैं, एकाग्रता पूर्वक करते हैं, और जैसे ही हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, हमारे मन का हलचल शुरू हो जाता है। हम अपने आप को अंदर झांकना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के विचार आना शुरू होता है, अपना मूल्यांकन कर पाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र इसमें क्यों मिलाया गया है? क्योंकि गायत्री मंत्र मन की शक्ति को अधोगामी करता है। ये महाविज्ञान है और गायत्री मंत्र इतना सार्वभौमिक और सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है कि इसको तिरंगे के बीच में स्थान दिया गया। नए विद्यार्थी के लिए इसको नोट कर लें कि गायत्री मंत्र की वह 24 तिल्ली अशोक चक्र के रूप में तिरंगे की शान बढ़ा रहा है। और ये आज़ादी के बाद जिस तिरंगे को ये इतना सुंदर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, वह इस बात का संदेश है कि हिंदुस्तान के केसरिया अर्थात साहस, आत्मबल, मनोबल जो आज सो गया था, उसको भी जगाना है तो हम सभी लोगों को सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी गायत्री मंत्र के माध्यम से। यदि हमारे अंदर की सादगी को जगाना है तो गायत्री मंत्र की उपासना करनी। सादगी मतलब व्यसन मुक्त जीवन शैली। आज युवा लोगों में बड़ी तेजी से नशा का कहर बढ़ता चला जा रहा है। आज हमारे युवा लोगों के सामने रोल मॉडल बन गए वो फिल्म हीरो, वो जिम सेंटर में जाने वाले लोग। आज ये कहिए सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु, हार्ट अटैक, वो टीवी कलाकार का सब लोगों को आज हाथ पांव फुला दिया। सुरजीत सरदाना जो गए, अब ये आज तक का जो एंकर थे, हल्ला बोल करते थे वो उस मंच पर। ऐसे प्रतिभावानों का समय 40 साल के पहले, 45 साल के पहले जाना, सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या कर लेना, 99% कोटा मिलाने वाले विद्यार्थियों को सुसाइड कर लेना, गोवा के राज्यपाल का आत्महत्या कर लेना, कहिए कि बक्सर के डीएम का दिल्ली में जाकर कट जाना। अर्थात हर आदमी को मेडिसिन माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए मेडिसिन मेडिटेशन की आवश्यकता है। और इसलिए मेडिसिन एक योग की तरह, आयुर्वेद की तरह बहुत ही कारगर और कहिए कि धारदार ये महाविज्ञान हमारे पास है। इसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क को विलक्षण कंप्यूटर में बदल सकते हैं। आज रोजी रोजगार की बात चल रही है, कैसे रोजगार बढ़ेंगे, बेरोजगारी का दंश चल रहा है, शिल्प कला व्यापार उद्योग हर सेक्टर खाली है। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाली दुनिया का बदलाव कितना तेजी से होने जा रहा है। प्रम पुजगुरु ने आज से 60 साल पहले एक बुक लिखा जिसका नाम है सूर्य चिकित्सा, जो कल आप लोग के हॉस्टल में गए थे, दिए थे हारिए न हिम्मत, उसी तरह छोटा पुस्तक है। सूर्य चिकित्सा में लिखते हैं कि 21वीं सदी में विज्ञान तो जीवित रहेगा किंतु उसका नाम भौतिक विज्ञान होकर अध्यात्म विज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जो ऊर्जा के स्रोत है डीजल पेट्रोल ये सारे स्रोत ही सूख जाएंगे, तब विज्ञान कैसे जीवित रह सकेगा? तब विज्ञान का आधार सोलर एनर्जी हो जाएगा। समुद्र का ज्वार भाटा से बिजली तैयार होगी, पवन से एनर्जी तैयार होगा। ऐसे अभी आप देखेंगे अमेरिका जैसे यूरोपीय देशों में अभी जो मानव रहित, आज क्या है ऑटोमेटिक और रोबोटिक्स दुनिया में हम लोग जा रहे हैं, रोबोट के माध्यम से सब काम होगा। अभी मानव रहित बस टोटो फोर व्हीलर निकाला गया, इसमें ड्राइवर नहीं होंगे और वो गाड़ी चल रही है और उसमें एक्सीडेंट की दुर्घटना की घटनाएं बहुत कम होगी। आज 90% जो दुर्घटना है और उसमें 35% दुर्घटना का कारण है लापरवाही, 30% उसमें जो है नशा के कारण नींद आ जाए, और उसमें 25% हमारा जो है अन्य कारण है। इस प्रकार 90% आज दुर्घटनाएं हो रही है, हजारों लोग हर साल दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। लेकिन तब क्या है, जब रोबोटिक हो जाएगी दुनिया, ये दुनिया ऑटोमेटिक में बदल जा रहा है। अगर एक चिकित्सा का सूत्र अमेरिका ईजाद किया तो अफ्रीका के चिकित्सकों को सीखने में हमारे पूर्वजों को हजारों साल लग जाता था वो आने में हम लोग के बीच में। लेकिन आज ऑटोमेटिक दुनिया में आप नेट पर सर्च करिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज हमारी मुट्ठी में दुनिया आ गई है। इस मुट्ठी हमारी मुट्ठी में दुनिया रहे, हम दुनिया के अनुकूल फेस कर सकें, अपने आप को फाइट कर सकें, अपने आप को स्थापित कर सकें, तो उस बदलते हुए परिदृश्य में कहते गीता जो अमर वाणी भगवान कृष्ण ने अभी जन्माष्टमी हम लोग मनाए कि परिवर्तन संसार का नियम है। और विज्ञान भी इसी बात को कह रहा है कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, वह स्थूल से सूक्ष्म बन जाता है, सूक्ष्म से कारण बन जाता है, ठोस द्रव गैस। इसी को स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं सूक्ष्म कारण और स्थूल। स्थूल शरीर हम लोगों का, सूक्ष्म शरीर हमारा विचार है, यहां बैठे हैं और मन हमारा हजारों मील दूर चला गया, गांव चला गया। उससे भी ज्यादा गति हमारी भावना का है, जिसको कैजुअल बॉडी कहते हैं।
या ध्यान के माध्यम से हमारे मनोरोग को, हमारे डिप्रेशन को, हमारे तनाव को दूर किया जा सकता है। आज युवा लोग अपना रोल मॉडल बॉलीवुड को मानते हैं, लेकिन आज सिद्धार्थ शुक्ला का मौत सबको हिला करके रख दिया। आज जिम सेंटर लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी मसल्स, हमारा जो मांसपेशी, हमारा जो ये है भुजा है, सो मजबूत हो जाएगा, फूल जाएगा। उसमें पाउडर पिलाया जा रहा है, उसमें मेडिसिन दे रहा है, उसमें इंजेक्शन दे रहा है, और समय से पहले लोगों को जवान बना रहा है। और जवान होते ही उसका नस नाड़ी है सो ब्लॉकेज कर जाता है, और ब्लॉक करने के बाद वह हार्ट अटैक में बदल जाता है। वो शोहरत किस काम का जो हमारी जिंदगी दांव पर लग जाए? आज जिस तरह मीडिया वाले उसको फेस कर रहे हैं, क्या वो कोई भगत सिंह थे देश का? क्या वह स्वामी विवेकानंद के जैसा रोल मॉडल कोई राष्ट्र की प्रगति के लिए कोई योगदान दिए क्या? बॉलीवुड वाले आज समाज के लिए कोई बदलाव के लिए कोई मॉडल खड़ा कर रहे हैं? वह खड़ा कर रहे हैं युवा लोग हमारा अनुकरण करें और सिगरेट पीना सीख जाए। युवा लोग हमारा अनुकरण करें। आज युवा लोग है सो बॉलीवुड का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। आज वो सिंथेटिक चीजों का युवा लोग बाजार बना हुआ है। चाइना का सबसे बड़ा बाजार कौन बना है? युवा लोग बना हुआ है। सारा प्रयोग युवा जीवन पर कर रहा है। नशेड़ी वाली जो कंपनी है सिगरेट शराब और अफीम और चरस और गुटखा बनाने, उसका सबसे बड़ा बाजार कौन बना हुआ है? आज के भारतीय युवा बने हुए। ये युवा हम उसका बिग बाजार नहीं, बिग मॉल नहीं, बल्कि बिग बॉस के रूप में अपने आप को परिणत करें। और इसलिए किसी लोग कहा था, जो अंदर से होगा फिट वही बाहर से होगा हिट। अध्यात्म को अंदर से फिट करता है, अंदर से मेंटेन करता है। और इंटरनल सिस्टम जब हमारा ठीक हो जाएगा, जब अंतरंग हमारा अच्छा हो जाएगा, तब हमारे ऋषियों ने कहा था, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़िया बढ़ाए जोगी बन गया बकरा। आज बाहरी वेशभूषा के रूप में लोग अनुकरण कर रहे हैं कि हम कोहली हो गए, बाहरी रूप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साधु बन गए, सन्यासी हो गए। लेकिन आज का साधु और सन्यासी स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कौन है? जो अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, उसका ड्रेस भले कुछ हो, वह इस देश का सच्चा सन्यासी है। और इसलिए युवा साथियों, आज या जो सत्र हम लोग चेंज किए हैं थोड़ा, जैसे आज से टीचर्स डे भी था, ज़्यादा समय आप लोग से लेते हुए ये ऑटोमेटिक और बदलते परिदृश्य की दुनिया में जब सारा काम रोबोटिक करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तब मानव श्रम का क्या होगा? ये शिल्प कला उद्योग व्यापार का क्या होगा? मनुष्य क्या बेरोजगार हो जाएंगे? ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब औद्योगिक क्रांति आई थी तब सब लोग कर रहे थे बड़े बड़े कारखाने लग जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन कारखानों में और मजदूरों की संख्या बढ़ गई। आज भी मजदूरों के लाले पड़ रहे हैं, आज भी लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियों में उचित श्रम की खोज कर रहे हैं। तो उसी तरह जो मेडिटेशन है वो आपको, आप केवल विद्यार्थी बने मत रहिए। आज जो फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये हो सकता है कि आने वाले 30 सालों के बाद इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रहे। जैसे 30 वर्ष पहले हम कभी नहीं सोचे थे कि हम लोगों के सामने यूट्यूब आएगा, स्पेनचैट आएगा, टिकटॉक आएगा, उसमें अपना वीडियो डाल करके पूरी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। क्या स्कूलों में हम लोगों को ऐसा पढ़ाया गया था? हम लोग तो जोड़ घटाओ पैचा का घटाओ सीख रहे थे हिंदी मीडियम में, और उसको सीखने भी महीनों दिन लग रहा था, इतना हमारा माइंड कमजोर था, महीनों दिन लगा था। टेस्ट में 4 विषयों में फेल हो गए थे। तो इसलिए मित्रों, आने वाले 30 वर्षों या 50 वर्षों का दुनिया जो है वो बड़ी तेजी से एक दिशा में जा रहा है जहां विज्ञान के भी पहुंच से बाहर होगा। इस दुनिया को सजाने के लिए अध्यात्मवादी ऋषियों, ऋषियों का जो संसद है देवात्मा हिमालय, वहां ऋषि मुनि लोग इस दुनिया को ज्ञान और विज्ञान के रूप में दोनों ऐसे अर्थों में सजाने जा रहा है जहां भारत फिर से धन के मामले सोने की चिड़िया बनेगी, ज्ञान के मामले में हमारा देश फिर से जगत गुरु बनेगा, शासन के क्षेत्र हमारा देश फिर से चक्रवर्ती बनेगा। ये लड़ाई झगड़े, ये तालिबानी, ये सारे कुछ जो समस्याएं देख रहे हैं, आने वाले दिनों में इस तरीके से उसका समाधान की दिशा में बदलेगा। हम लोग ये आंखों से देख सकेंगे। उसी तरह 30 वर्ष के बाद के अनुकूल जो दुनिया आने वाली है उसके अनुकूल अपने आप को तैयार करें। तो हम लोगों को केवल किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहना है, बल्कि सामाजिक पीड़ा से भी आप लोगों को रूबरू होना है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और बनने और बनाने का सबसे अच्छा जो प्रक्रिया है, सबसे अच्छा जो समय है, वह युवा जीवन है, यौवन काल है, वह विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन को हम कल कैसा भविष्य में जीना चाहते हैं, आज ये बनने और बनाने का अवसर है। इसलिए मन में कभी ये मत रखिए कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं केवल सब्जेक्ट। आज सारे कोचिंग संस्थान धीरे धीरे एक अलग दिशा में बदलता चला जा रहा है, दुनिया बड़ी तेजी से। इसलिए दुनिया के अनुरूप यदि चलना है तो हम लोगों को ज्ञान और विज्ञान, फिजिक्स से जितना हमारा नाता है उसी तरीके से हमको अध्यात्म से भी नाता रखना पड़ेगा। और इसके लिए छोटा सा अभ्यास आप लोगों को करना होगा। अब उसको, अब एक छोटा सा अभ्यास आप लोगों को क्या करना होगा?